या तो उनके ऊपर भरोसा है, तो फिर क्या भ्रष्टाचार है कि आप निचले दर्जे के अधिकारी को ऊपर बिठा के रखे हो? क्या एक लिपिक एक सहायक आयुक्त की कुर्सी पर बैठ के उस कुर्सी का मान रख सकता है? यह सवाल बड़ा है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं यूसुफ अली। दोस्तों, पिछले लंबे समय से मैं वसईराम महानगर पालिका में चल रहे अलग अलग अनियमितताओं को लेकर खुलासा करता रहा हूं। आज का मेरा जो खुलासा है वो वसई महानगर पालिका प्रशासन के ऊपर है कि प्रशासन किस तरह से चल रहा है। तो मैं आपको बता दूं कि ऐसा लगता है वसई विरार में काबिल अफसरों की कमी है। ये बात मैं इसलिए बोल रहा हूं कि वसई विरार में ऐसा कई अफसर है, अधिकारी कर्मचारी है जिनके ऊपर निलंबन की कार्यवाही हो चुकी है और उन अधिकारियों को ऊंचे पद पर बिठाया गया है उनकी काबिलियत नहीं होने के बावजूद भी। सबसे पहले मैं बात करूंगा थॉमस रॉड्रिक्स की, जिसको लेके मैंने पत्र दिया था पिछले महीने में। ये एक पत्र मैंने दिया था थॉमस रॉड्रिक्स के ऊपर, आरोप लगा था कि उन्होंने पेपर चोरी किए और पेपर चोरी करने की वजह से उनका निलंबन हुआ था। मैंने 20/9 को पत्र दिया था आयुक्त को कि आप इसके ऊपर गुनाह दाखिल कीजिए ताकि क्या कागज पत्र वहां से गए उसकी जांच हो। और ये आपको बता दूं, ये मामला जो है वो करीब करीब 12 महीने से 14 महीने के पीरियड के बाद में उठा था, लेकिन महानगर पालिका आयुक्त ने उस कंप्लेन को साइड में रख के गुनाह दाखिल करने की जगह उनको वापस काम पे लिया है। उसका आदेश है 8/10/2021 का आदेश है, 8/10/2021 में थॉमस रॉड्रिक्स को फिर से महानगर पालिका में ले लिया। अब जो मैं भी बोल रहा था कि काबिल अफसरों की कमी है, तो थॉमस रॉड्रिक्स का तो ये मामला था, इसके ऊपर मैंने पत्र व्यवहार किया था तो मैंने आपको ये दिखाया। अब मेरे पास एक लिस्ट है, ये 5 पेज की लिस्ट है, आप देख सकते हैं। लिस्ट के अंदर ये आरटीआई से निकाली हुई है, इसमें 2009 महानगर पालिका के गठन से अब तक कितने अधिकारी निलंबित हुए उनकी जानकारी मांगी गई थी। इसमें टोटल 55 नाम है, थॉमस रॉड्रिक्स का नाम नहीं है, वो भी हाल ही में हुए थे, तो 56 मान लेते हैं, 56 अधिकारी कर्मचारी के इसमें नाम है, जिसमें से करीब 10 से 12 अधिकारी कर्मचारी ऐसे हैं जिनके ऊपर एंटी करप्शन की ट्रैप हुआ था और एंटी करप्शन के ट्रैप के अंतर्गत उनको गिरफ्तारी हुई थी, उनका निलंबन हुआ था, उनको भी फिर से काम में ले लिया गया है। ठीक है, एक कर्मचारी का अपना अधिकार होता है कि जब उसके ऊपर कार्यवाही हुई तो उसको कुछ समय बाद में काम में लेना होता है, लेकिन उसमें एक नियम और शर्त यह होती है कि उनको उस पद पर जिस पद पर वो पहले है वहां नहीं लिया जाना चाहिए, अकार्यकारी पद पर उनको लिया जाना चाहिए। लेकिन यहां पे ऐसा है उल्टा, यहां का पूरा सिस्टम उल्टा है। यहां एक लिपिक को सहायक आयुक्त बना के बिठा दिया गया है। मैं बात करूं, ये इस लिस्ट में 90 नंबर पर नाम है प्रदीप आवड़ेकर। प्रदीप आवड़ेकर जो है वसई विरार महानगर पालिका में 2017 में ये निलंबित हुए थे और इनको पुनर्स्थापित किया गया था बाद में। आज ये वसई प्रभाग आय के सहायक आयुक्त है और ये लिपिक है, एक लिपिक के ऊपर वरिष्ठ लिपिक होता है, वरिष्ठ लिपिक के ऊपर अधीक्षक होता है, उन सभी को दरकिनार करके लिपिक को ऊपर बिठाया जाता है। प्रदीप आवड़ेकर पहला नाम नहीं है, आपको इसके आगे बता रहा हूं। दूसरा नाम है रूपाली संख्य, ये वरिष्ठ लिपिक है, ये इनका निलंबन हुआ था 4/12/2020 को, इनको फिर से काम पे लिया गया। अभी फिलहाल ये वसई विरार महानगर पालिका प्रभाग समिति ई की प्रभारी सहायक आयुक्त है। दो प्रभार में सहायक आयुक्त है, वो निलंबित अधिकारी है। फिर तीसरा नाम प्रकाश जाधव, प्रकाश जाधव इस समय प्रभारी सहायक आयुक्त, इनका निलंबन हुआ था 2017 में। इनका कारण था निलंबन का कार्यालयन कर्तव्यात कसूर ऐसा लिखा हुआ है, इनको फिर से बहाली हुई और आज ये प्रभाग समिति सी के सहायक आयुक्त थे। 3 सहायक आयुक्त, सहायक आयुक्त का मतलब उस प्रभाग का सर्वे सभा। उसके बाद में बाकी के प्रभाग की बात करें तो चौथा प्रभाग है एच में, उनके ऊपर कोई ऐसा मामला नहीं है, गिलसन गोंसाल्विस। एक प्रभाग है ड में, जहां रितेश टिनी है, वो एक एफआईआर में
हम के ऊपर निलंबन की कार्यवाही नहीं हुई है, लेकिन एक एफआईआर में आरोपी की लिस्ट में है। उसके बाद बात करें प्रभाग समिति ब की, तो वहां पे जो मैडम है वो मंत्रालय से आई है, उनके ऊपर ऐसा कोई आरोप नहीं है। उसके बाद बात करें प्रभाग समिति ए की, तो वहां पे शीतल चौहान करके प्रभारी सहायक आयुक्त थे, उनके ऊपर भी ऐसा कोई मामला नहीं है। उसके बाद बात करें प्रभाग समिति एच की, एच का हो गया जी की, तो जी में सुभाष यादव है, उनके ऊपर भी निलंबन की कोई कार्यवाही नहीं हुई है, लेकिन वो भी लिपिक है, उनको ये बनाया गया है प्रभारी सहायक आयुक्त। उसके बाद बात करें प्रभाग एफ की, तो एफ के अंदर राजेंद्र कदम, जो महानगर पालिका में उनकी नियुक्ति हुई थी सफाई कर्मचारी को लेकर, सफाई कर्मी के रूप में उनकी नियुक्ति हुई थी, बढ़ते बढ़ते आज वो वसई विरार महानगर पालिका प्रभाग समिति एफ के प्रभारी सहायक आयुक्त है, और महानगर पालिका में उनका निलंबन नहीं हुआ, लेकिन महानगर पालिका के पहले नगर परिषद के समय उनका भी निलंबन हो चुका है। यह तो बात हुई नौ प्रभाग की ऐसे आई तक। अब कुछ ऐसे प्रकल्प है अलग अलग, जिसमें सबसे अहम है नगर रचना। नगर रचना में, नगर रचना तो चल ही प्रभाग निलंबित अधिकारियों के भरोसे चल रहा है। नगर रचना के सर्वे सर्वा है वाई एस रेड्डी, इनको लेके बड़ा मामला हुआ था 2015-16 में, और वाई एस रेड्डी के ऊपर एंटी करप्शन की रेड हुई थी। उसके बाद में इनको वापस वाई एस रेड्डी जो है न्यायालय में गए, और 13-2-2019 में वसई विरार महानगर पालिका की महासभा में इनको लेने के लिए प्रस्ताव पारित हुआ। ये प्रस्ताव की कॉपी है वसई विरार महानगर पालिका में 13 फरवरी 2019, उस समय इनको फिर से लेने के लिए। तब इन पे क्या क्या आरोप थे नहीं थे, इसमें ठहराव में सब उसका जिक्र किया गया है, वो 2-3 पेज का ठहराव है पूरा। अब इसमें सबसे अहम था कि लास्ट में ठहराव के अंत में इस पे वोटिंग भी हुई थी, वोटिंग में करीब 95 जो वोट थे वो उनके पक्ष में थे कि इनको लेना चाहिए, और 4 विपक्ष में थे। हालांकि उनको लेना चाहिए तब ठहराव में ये लिखा गया था, माननीय उच्च न्यायालय, आप देख सकते हैं ये माननीय उच्च न्यायालय मुंबई यानी दिलेला अंतरिम आदेश मान्य करून आज ही सभा श्री रेड्डी याना महानगर पालिका सेवेत अकार्यकारी पदावर रजू करून घेण्यास व त्याच्यावर आवश्यकतीशिष्ट भंग विषय कार्यवाही करण्यास मान्यता देत आहे। मतलब इनको अकार्यकारी पद नगर रचना में उनको लिया गया, लेकिन तब ये लिखा गया था ठहराव में कि इनको कार्यकारी पद नहीं दिया जाएगा, लेकिन आज रेड्डी जो है वो पूरी तरह से कार्यकारी पद पर है, और रेड्डी ही पूरा नगर रचना का संचालन कर रहे हैं। अब नगर रचना की मैं बात कर रहा हूं, तो रेड्डी वाई एस रेड्डी के अलावा एक और शख्स है जिनको नगर रचना का भी चार्ज दिया गया है, वो नगर रचना में प्रभारी सहायक आयुक्त के तौर पे है, जिनका नाम है निलेश महात्रे। तो निलेश महात्रे भी 24-10-2017 में कामात हलगरजी पणा, ये उनका नाम है, वो भी निलंबित हो चुके हैं। वो भी निलंबित होने के बावजूद उनको, यानी कि नगर रचना विभाग जो सबसे अहम विभाग में से एक विभाग है, उसमें काम करने वाले दोनों ही वरिष्ठ अधिकारी वो निलंबित अधिकारी, यानी वसई विरार महानगर पालिका किस तरह से काम होता है मैं अभी आपको यही दिखा रहा हूं। और ये भी लिपिक है, ये भी वरिष्ठ लिपिक या अधीक्षक नहीं है, लिपिक है, निलेश महात्रे भी लिपिक को प्रभारी सहायक आयुक्त बनाया गया है। तो इस तरह से ये सब दिखाने के पीछे का मेन मकसद ये है कि ताकि लोगों को मालूम पड़े, आप लोगों को मालूम पड़े कि क्या हमारे यहां चल रहा है। ऐसा नहीं कि वसई विरार महानगर पालिका में काबिल अफसर नहीं है, बहुत ऐसे काबिल अफसर अधीक्षक या वरिष्ठ लिपिक है जो अभी भी अपनी जगह पर वहीं बैठे हुए हैं, लेकिन उनके ऊपर लिपिक को बिठाया जाता है। इसके पीछे बहुत बड़ा खेल है, इसके पीछे बहुत बड़ा है, कभी उसका भी खुलासा किया जाएगा। आस्थापना विभाग जो है वसई विरार महानगर पालिका का विभाग आस्थापना, जो इस सबका कर्ता धरता है, उस आस्थापना विभाग में क्या कुछ किस तरह से चलता है ये हम आपको दिखाने की कोशिश की, और इस सब के लिए जिम्मेदार हम सिर्फ सीधा और सीधा किसको मानेंगे, वसई विरार महानगर पालिका आयुक्त। क्योंकि जब आयुक्त ही किसी की बदली होती है या होती है, उसके ऊपर आयुक्त के ही सिग्नेचर होते हैं, आयुक्त ही उसको मान्यता देते हैं।
चाहे उसको स्थापना विभाग जो है आयुक्त के पास उनकी सिफारिश लेके जाए, लेकिन अगर आयुक्त चाहे तो उनको रिजेक्ट कर सकते हैं। लेकिन यहां ऐसा नहीं है, आयुक्त उनको रिजेक्ट नहीं करके उनको वो पद दे रहे हैं। आयुक्त का अपना क्षेत्राधिकार है, वो दे भी सकते हैं, लेकिन सवाल यह है कि सिर्फ निलंबित अधिकारी या जूनियर कर्मचारी को ही क्यों? तो यह मेरा सवाल है, इस सवाल के ऊपर आयुक्त जवाब दें। आयुक्त महोदय, आप वसई विरार महानगर पालिका के संदर्भ में आज दिन तक आपने क्या अच्छा किया है, इसका आपने कभी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस लिया नहीं है, लेकिन ये जो चीज, ये जो मैं आपको डॉक्यूमेंट दिखा रहा हूं, ये फाइल जो दिखा रहा हूं, इस फाइल के बाद में आप ये बताइए कि ऐसी क्या, या तो आपको अपने जो कर्मचारी, जो अधीक्षक, जो वरिष्ठ लिपिक है उनके ऊपर भरोसा नहीं है, या तो उनके ऊपर भरोसा है तो फिर क्या भ्रष्टाचार है कि आप निचले दर्जे के अधिकारी को ऊपर बिठा के रखे हो? क्या एक लिपिक एक सहायक आयुक्त की कुर्सी पर बैठ के उस कुर्सी का मान रख सकता है? यह सवाल बड़ा है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। इस वीडियो को फैलाइए, महानगर पालिका तक ये जाना चाहिए, आयुक्त साहब की आंखें खुलनी चाहिए। अगर आयुक्त साहब की आंखों में धूल झोंक कर इस तरह से उनका सिग्नेचर लिया जाता है तो वो भी क्लियर होना चाहिए। और स्थापना विभाग इसका सबसे बड़ा जिम्मेदार है, उसको इसकी पूरी की पूरी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। आज के लिए इतना ही, ऐसे ही आता रहूंगा आपके बीच में कुछ नए खुलासे लेके। धन्यवाद। हमारे चैनल सेफ न्यूज लाइव पे अपने व्यापार एवं सेवा से संबंधित विज्ञापन हेतु मोबाइल नंबर 7385952786 अथवा 7738267786 पर संपर्क करें।